हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। दोस्तों, आप लोगों की मन्नत भगवान ने सुन ली है। फाइनली मैं बाटला हाउस मार्केट एक्सप्लोर करके आ गई हूँ और ख़ुद पर शर्म आती है यार, आप लोग कब से डिमांड कर रहे थे, बट जो जब होना होता है वो तभी होता है, यू नो। सो इस मार्केट में पहुँचने के लिए आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का जो मेट्रो स्टेशन है वो सबसे नियरेस्ट मिलने वाला है। क्योंकि मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने यहाँ से मजेंटा लाइन पकड़ी, जनकपुरी वेस्ट से मैंने मेट्रो पकड़ी है और विद इन 1 आवर मैं इस मार्केट में पहुँच गई थी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली। और आगे इस मार्केट में कैसे जाना है वो सब वीडियो में बताऊँगी, हर चीज़ के प्राइजेस और हर चीज़ का लोकेशन सब कुछ आपको क्लियर करते हुए चलूँगी, ताकि आप में से कोई भी इस मार्केट में फ़र्स्ट टाइम पहुँचे तो उसको ऐसा ना लगे कि इस मार्केट में हम पहली बार आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट 7 डेज़ ओपन रहता है, तो आप कभी भी जाके यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। अगर कोई नेशनल हॉलीडे है तो उस टाइम यहाँ पर जाना अवॉइड कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। सो इस मार्केट में पहुंचने के लिए आपको जामिया मिलिया के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करना होगा और वहाँ पर ऊपर लिखा भी रहता है कि यहाँ से बाटला हाउस के लिए आप एग्ज़िट करोगे। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे नीचे ई रिक्शे वाले तैयार हैं आपको एज अ सवारी बैठाने के लिए। ओनली 10 रुपीज़ में थोड़े कच्चे पक्के रास्ते क्रॉस करते हुए बस आप पहुंच जाते हो बाटला हाउस के मेन मार्केट में। तो मार्केट तो काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाती है, पर पता नहीं भैया ने हमें वहाँ पे क्यों नहीं उतारा। उन्होंने बोला कि इस चौक से बेसिकली ये पूरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने मार्केट में पहुँचते मैंगो शेक पिया था चौक पर ही, लेकिन उसमें भैया ने ना बर्फ़ नहीं डाल रखी थी, भैया ने पूरा का पूरा ग्लेशियर डाल रखा था, अंदर तक आत्मा ठंडी हो गई पूरी। तो फर्स्ट यहाँ पर जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, प्राइस ऑलरेडी स्क्रीन पर चल रहा है, सेल है यहाँ पर मात्र 500 रुपये की। कॉटन के बेहतरीन सूट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, किसी में शिफॉन का भी दुपट्टा है और किसी में कॉटन का भी दुपट्टा है, और बॉटम वगैरह भैया ने बताई पूरी ऐसी 2.5-2.5 मीटर की रहती है, तो ये आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इनसे जो मैं दुकान दिखा रही हूँ, यहाँ पर चिकनकारी की कुर्तियाँ मिल रही थी काफ़ी खूबसूरत, और इसमें भैया ने बताया कि 44-46 साइज़ तो है इनके पास में अवेलेबल, तो यहाँ से भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आपको कॉटन की नहीं चाहिए तो ऊपर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे एम्ब्रॉयडरी वाले मिरर वाले जॉर्जेट फैब्रिक की भी कुर्तीज़ मिल जाएंगी। तो इनका शॉप का कार्ड यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है, और हाँ, जितना भी मार्केट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 7 डेज़ ओपन रहता है। बाटला हाउस मार्केट की कभी छुट्टी नहीं होती, जैसे ईद हुआ या कोई और नेशनल फेस्टिव है उस दिन यहाँ पर छुट्टी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। सो नेक्स्ट यहाँ पे इन्हीं की शॉप पर कुछ पाकिस्तानी पैटर्न की कुर्तियाँ मिल रही थी काफ़ी खूबसूरत। इसके बाद एक शॉप दिखी मुझे जहाँ पे हर तरीके के कॉटन के दुपट्टे साथ ही साथ चंदेरी के दुपट्टे मिल रहे थे प्रिंट में, बेहद खूबसूरत। नेक्स्ट यहाँ पर एक भैया ने ना फैब्रिक का पूरा सेल लगा रखा था, तो ये दे रहे थे यहाँ पे 50 रुपये मीटर के हिसाब से, बड़े पन्ने का कॉटन का फैब्रिक था, तो प्रिंट वगैरह इसके काफ़ी अच्छे हैं, ये आप ले सकते हो। और पूरी मार्केट में ना जगह जगह आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे एक्सेसरीज़ के। सो इनके पास में जो भी आइटम मैंने पूछे वो सब अंडर 50 रुपीज़ ही थे, चाहे आप यहाँ पर क्लिप्स ले लो, क्लचेस ले लो, पिंस ले लो, बैंगल्स ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत सारी वैरायटी है। तो लेडीज़ के लिए तो यहाँ पर शॉपिंग के ऑप्शन हैं ही, साथ साथ में जेंट्स के लिए भी है। जेंट्स के लिए यहाँ पर कुर्ता पजामाज या वेस्ट कोट वगैरह के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और एक चीज़ कि यहाँ पे मार्केट जो है ना वो दो तरीके से लगती है, एक तो बेसमेंट में बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, और वो बेसमेंट भी ऐसा दम घोटने वाला नहीं है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है, अंदर तक जाके आप एक्सप्लोर करके शॉपिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर किड्स कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, तो पहले तो इन भैया ने कार्ड देने से मना कर दिया, और बाद में मुझे लगा कि क्यों मना किया होगा, पता नहीं कार्ड पुराना है या उन्होंने कभी उसकी धूल नहीं झाड़ी इनसे। नेक्स्ट जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर बेबी गर्ल्स का कलेक्शन है और बेबी बॉयज़ का भी है, इनके पास कार्ड नहीं था, बट सामने बिल्कुल एंटर करते ही आपको ये शॉप दिख जाएगी बच्चों के कलेक्शन की। तो इस तरीके की ब्रांडेड टी शर्ट्स और शर्ट्स बहुत अच्छे फैब्रिक की बता रही हूँ मैं, 450-550 में भाई जी ने डिस्प्ले कर रखी थी, तो अप टू 16 ईयर्स तक के बच्चों का कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरीके की आप 1 ईयर बेबी गर्ल के बर्थडे फ्रॉक्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, बेबी गर्ल्स का एथनिक वेयर परचेज़ कर सकते हो, बॉयज़ के लिए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके शॉप के जस्ट पास में यहाँ पे बच्चों के फुटवेयर का कलेक्शन मिल रहा था काफ़ी बढ़िया, इसमें भी टीनेज तक का साइज़ आपको मिल जाएगा, तो सेल प्राइस है। यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने ऐसे ओ माय गॉड वाले रेट में नहीं देखी कि इतना महंगा, सब कुछ बजट फ्रेंडली है। एक और एक्सेसरीज़ का यहाँ पे मैं आपको स्टॉल दिखा रही हूँ, इनके इयरिंग कलेक्शन काफ़ी बढ़िया है, और भैया ने जिस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है, लाइटिंग की हुई है, वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो ये
ईयरिंग्स जो हैं सभी अंडर 150 रुपीज़ हैं। देन यहाँ पे इतने प्यारे हैवी वाले हेयर बैंड्स आप ले सकते हो, क्लिप्स ले सकते हो, यहाँ पे भी सब वही सामान मिल रहा है। आगे बढ़ने के साथ ही मुझे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे सड़क पर ही वर्साचे भाई साहब मिल गए, और सब्यसाची पैटर्न में भी यहाँ पर बैग्स मिल रहे हैं। काफ़ी हटके कलेक्शन देखा मैंने यहाँ पे, और प्राइजेज़ आप देख सकते हो, मतलब जो ये अभी दो मैंने आपको दिखाए हैं एग्जैक्टली ये 250 के ही थे, और इसमें 300 और 350 मैक्सिमम में आपको ये पर्स और बैग्स मिल जाते हैं। कलेक्शन इनका वाकई अच्छा है, और इनकी शॉप पर काफ़ी रश भी था तो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके वीडियो बना ही लिया कैसे ना कैसे करके। ये जितनी भी शॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये अपने आप आपके रास्ते में पड़ती चली जाएंगी, लोकेशन की कोई टेंशन मत लेना, बस लेन है और उसमें आपको चलते जाना है। इसी लेन में यहाँ पर बच्चों की आपको जीन्स मिल जाएगी, बहुत ही क्यूट, ये देख रहे हो बेल्ट की तरह ये बो लगा हुआ है इसमें, सो ये आप ले सकते हो। और इस लेन में किड्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, और इस लेन की एक बहुत ही बेहतरीन सी शॉप बस मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, बने रहिएगा। जितने भी फ्रॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना यार, अगर आप किसी स्टोर से लेने जाओगे ये 1000 रुपीज़ से कम की नहीं है, ब्रांड में मैं बात कर रही हूँ, बट इसका स्टफ़, इसके प्रिंट्स, डिज़ाइन किसी ब्रांड से कम नहीं थे, ओनली 450 रुपीज़। 500 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना यूट्यूबर को देख लिया तो थोड़ा सा प्राइस कम करके बता दिया, तो मैंने अपनी तरफ से फिर भी 500 कोट कर दिया है, और वाकई सब कुछ इसके अंडर में ही है। तो आप इसमें साइज़ चाहे कोई भी ले सकते हो, लाइक 11 to 12 ईयर तक की बेबी गर्ल का। तो बाहर मेन रोड चल रही है, बस उससे लेफ्ट में एक गली कटती है जहाँ पे ये सब कलेक्शन आपको दिख जाएगा। इनके सामने एक और यहाँ पे पर्सेस, बैग्स और क्लचेस वाले भैया थे, इनके पास में भी जो मैक्सिमम प्राइस है लाइक वो 500 है, तो इनसे आप बड़े काफ़ी साइज़ के बैग्स और क्लचेस पर्सेस परचेज कर सकते हो। तो शुरू में जो बैग वाली शॉप मैंने आपको दिखाई, बच्चों का ये जो फ्रॉक्स का कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ, ये सब एक ही लेन में लगा हुआ था यहाँ पे। ये देखिए कितना क्यूट कलेक्शन है, एंड लिटरली अगर मैं अपने वेस्ट दिल्ली साइड की बात करूँ तो हमारे यहाँ के किसी शॉप पर ये 1000-1500 से कम की नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे जितने भी ये आइटम भैया ने टांग रखे हैं ये सेल थे 450 रुपीज़ की रेंज में। अब जो मैं आपको शॉप दिखाने जा रही हूँ दिल थाम के बैठ जाइएगा। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर थी, पता नहीं अब वो कमेंट करती हैं कि नहीं करती, कब से बेचारी ने रट लगा रखी थी कि मुझे बनारसी गरारे शरारे लेने हैं, एंड फाइनली आई फाउंड इट हेयर, और वो भी ऐसे वैसे नहीं यार, इतने हैवी और इतने डिज़ाइनर। तो ये तो कुछ सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले है, डिस्प्ले इतना खूबसूरत है तो मुझे यकीन हो गया कि जब डिस्प्ले इतना प्यारा है तो अंदर तो शॉप में कुछ गदर ही होगा। तो यहाँ जब मैं कार्ड लेने गई ना तो भैया ऑलरेडी यहाँ पे हैंडवर्क कर रहे थे एक गरारे के ऊपर। सो बेस्ट विशेस, यहाँ पे जो है आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले में लगा हुआ है। तो अगर आप में से किसी ने यहाँ से परचेजिंग की है या कस्टमाइजेशन करवाया है गरारे का तो बताइएगा ज़रूर, और अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरीके की छुपी हुई बहुत सारी मार्केट्स और शॉप्स मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करती रहूँगी। तो ये देख सकते हो, मतलब जितना भी हैवी वर्क आप सोच सकते हो वो सब यहाँ पर किया जाता है। ये शॉप का आउटर लुक है, और शॉप में ना एंटर करते के साथ ही थोड़े गद्दे वगैरह लगे हुए थे इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाई। बाहर ही आपको एक बहुत ही बढ़िया टॉवल कलेक्शन देखने को मिलेगा गाइज। इनके प्राइजेस, मतलब मैक्सिमम प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये है, और उसमें भी आपको एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर फाइबर फैब्रिक वाले भी ये टॉवल मिल जाएंगे। क्वालिटी अच्छी है ये अंकल, बिल्कुल आपको बाहर ही मेन रोड पर मिल जाएंगे, तो इनसे आप परचेजिंग कर सकते हो। इनसे नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक सूट्स का स्टॉल देखा है जहाँ पर कि सेल लगा हुआ था, कोई भी आइटम आप इसमें से ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लॉट वाले सूट नहीं देखे, जितने भी आप देख रहे हो ना ये फ्रेश हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मैं आपको वार्निंग हमेशा देती हूँ कि ओपन करके चेक करके देन ही परचेज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इतना प्यारा सा सुंदर फ्लोरल प्रिंट वाले और ऐसे जयपुरी वाइब्स देने वाली बेडशीट्स का स्टॉल लगा हुआ था। सो प्राइस मैंने कोट कर दिए हैं, जो आपको देखने में ग्लेस कॉटन भी लग रहा हो यार वो भी कॉटन थे, मतलब प्रिंट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और इस मार्केट में ना बच्चों के कपड़े तो ऐवें ही आ जाते हैं, मतलब अगर आपके घर में है 5 ईयर तक की बेबी गर्ल तो यहाँ पे मस्ट है विज़िट करना, आई मीन बेबी बॉय भी है तो भी मस्ट है इस मार्केट में विज़िट करना बच्चों के कपड़ों की ख़रीदारी के लिए। मतलब ये पूरा सेल जो आप देख रहे हो सिर्फ 120 रुपीज़ का है, चाहे आप लोअर ले लो या अपर ले लो। तो ये देखिए दोनों साइड पर मार्केट बस चलती जा रही है, और अब आगे मेरे सामने दो रास्ते आ जाएंगे तो मैं आपको उसमें बताऊँगी मैं कहाँ आगे जा रही हूँ। देखिए बिना बात के बच्चों के कपड़े ज़बरदस्त तरीके से मिल रहे हैं, टीनेज का भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, और वेस्टर्न का तो इस मार्केट में बहुत ही कम ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादातर आपको एथनिक वेयर देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक फुटवेयर की शॉप मैं दिखा रही हूँ, इनके पास में भी मैक्सिमम प्राइस कोट कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, कलेक्शन अच्छा है। अगर आप पार्टी वेयर या ऑफिस गोइंग फुटवेयर परचेज करना चाहते हो
इन एनी साइज़, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। कलेक्शन मैं आपको दिखाई रही हूँ, इसके आगे भी अभी एक और फुटवेयर की शॉप आनी बाकी है, उनका भी कलेक्शन काफ़ी हटके है। सो ये भैया की शॉप का कार्ड है, 7 डेज़ यहाँ पर आप परचेजिंग कर सकते हो, पूरा मार्केट 7 डेज़ यहाँ पर ओपन है। तो ये जो मैंने पूछे, इसकी स्टाइलिंग अच्छे लग रहे थे मुझे, 250 का भैया ने प्राइस बताया, बाकी सब 200-250 इसी प्राइस में आपको मिलेगा। अब जो गाइज आपको मैं शॉप दिखा रही हूँ, इनके पास में प्योर कॉटन के सूट्स मिल रहे हैं, सेल प्राइस मैंने कोट कर दिया है, और ये अंगरखा स्टाइल के ना आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है फैशन में, तो ये आप ले सकते हैं। हर सूट में या तो शिफॉन का दुपट्टा है या कॉटन का दुपट्टा है, तो चॉइस आपकी है, जैसा आप लेना चाहो ले सकते हो। बाकी उसका बॉटम कितना मीटर है, फैब्रिक वगैरह, वो सब आप अच्छे से मेजर कर लेना, उसके बाद ही लेना। सामने डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत है, मतलब देखते के साथ ही ना आँखों को इतना सुकून मिल रहा था, क्योंकि समर्स में ऐसा फैब्रिक, ऐसे प्रिंट डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये भैया जी का कार्ड मैंने आपको दिखा दिया है, ये देखिए प्रिंट्स कितने प्यारे हैं, तो ये आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। भैया की भी शॉप जो है वो 7 डेज़ ओपन है, तो जो रोड में आपको दिखा रही थी ना, सीधे चलते रहती है, उसमें बस राइट साइड में एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स की 5-6 दुकानें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट जो शॉप आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर तो भैया एकदम ही एडवांस हैं, अपडेटेड हैं, पूरा कलेक्शन इनके पास में एकदम बढ़िया था रेडी टू वेयर का। तो कॉन्टैक्ट नंबर मुझे यहाँ पर मिला है, क्योंकि भैया का कोई कार्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये जो स्टार्टिंग का कलेक्शन आप देख रहे हो, प्राइस कोटेड है, ये है सारा अफगानी में, और अफगानी आजकल कितना इन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जस्ट लुक, मतलब 3-पीस सूट जो है पूरा आपका दुपट्टे के साथ में सिला सिलाया अप टू 44 साइज़, वो आपको मिल रहा है मात्र 550 रुपये में, है ना बढ़िया कलेक्शन। तो मैंने भैया से वैसे पूछा था कि आप ऑनलाइन भी दे देते हो, हाँ जी तो उन्होंने बोल दिया है, बट आई एम नॉट रियली श्योर। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये एक रिस्क, लेकिन आप अपने बेस पर ही लेना। आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हो इसलिए मैं ले आई हूँ। यहाँ पे सामने एक इब्राहिम कलेक्शंस नाम से शॉप है, नीचे आपने एड्रेस देख लिया होगा, तो इस वाली शॉप के बिल्कुल ऑपोजिट में ये जो शॉप मैंने आपको दिखाई, यहीं पर आपको अफगानी मिल रहा है और यहीं पर आपको रेडी टू वेयर कलेक्शन मिल रहा था। तो अब मैं ये इब्राहिम कलेक्शन वाली ही दुकान आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर सूट्स का बहुत सारा आपको शॉप मिल जाएगा। और इनके पास में ये जो पूरी रो है ना, ये आपको जो बेबी पिंक कलर का मैं दिखा रही हूँ, इससे लेफ्ट में ये जितना भी कलेक्शन लगा हुआ है, ये पूरा सेल यहाँ पे 700 रुपीज़ का था, और मैक्सिमम प्राइस जो है वो भैया का बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे ठीक लगा। आजकल के टाइम में इतना तो लोग सूट पर स्पेंड करते ही हैं, तो इनका जो सूट कलेक्शन है, लाइक अगर कॉटन है तो सिर्फ कॉटन ही नहीं है, उसमें आपको कुछ ना कुछ वर्क देखने को मिलेगा, बिल्कुल प्रिंट के ऊपर भी वर्क है, तो कलेक्शन अच्छा है। सामने ऐसे बनारसी चंदेरी सूट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। इनकी शॉप का आउटर लुक मैंने अभी आपको दिखाई दिया है, इब्राहिम कलेक्शन के नाम से ये शॉप रहने वाली है। तो ये सब भाई लोग हैं, आपस में आजू बाजू सबकी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। और इसी कॉम्प्लेक्स में एक और फुटवेयर का कलेक्शन मैंने देखा, सो इनके पास में भी जो मैक्सिमम प्राइस है वो 500 है, और इनके शॉप पर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ थी, थोड़ा फिर भी उसमें भैया ने मुझे एक दो पीसेस दिखा दिए। ऐसे ब्राइडल कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पार्टी वेयर भी मिल जाएगी, ठीक है, ये आप परचेज़ कर सकते हो। और पूरी मार्केट में मैंने आपको बताया, लाइक फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट इस तरीके से पूरी शॉप्स लगी हुई हैं, तो आपको ना लिटरली उनको अंदर जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि सूट्स वगैरह का कलेक्शन यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब बहुत ही सारा, पाकिस्तानी रेडी टू वेयर सब कुछ यहाँ पर मिलता है, हैवी टू हैवी। लेकिन आपको अंदर उन स्टोर्स में, उन शोरूम्स में जाके अंदर विजिट करना पड़ेगा, थोड़े प्राइजेस कंपेयर करने पड़ेंगे और फिर परचेज़ करना पड़ेगा। अभी ये जो शॉप दिखा रही हूँ, ये भी मुझे सबसे मज़ेदार लगी, इतना क्यूटू सा बेबी कलेक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे चिकनकारी का। भैया की एक दुकान काफ़ी है लखनवी कलेक्शन के लिए आई गेस, सो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इनका दिखा दिया है। सुफियान किड्स नाम से शॉप है, देख रहे हो आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, उसी के बिल्कुल सामने भी अपनी दुकान लगाते हैं। इनके जस्ट बराबर में एक और आपको बड़े लोगों की कुर्ती और प्लाजो सेट्स वगैरह के ये शॉप मिल जाएंगे। तो इनके पास में जो मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है वो है 950 रुपीज़, साइज़ की बात करूँ तो 44 तक का तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहीं से आप साथ में पैंट्स ट्राउजर्स भी अटैच करवा सकते हो, प्राइजेज इनके फिक्स रहेंगे भाई के, ठीक है। बहुत ही नूरानी चेहरा है भैया का हंसता हुआ। इनसे नेक्स्ट जो शॉप है, यहाँ पे भी आपको रेडी टू वेयर कलेक्शन देखने को मिल रहा है। सो कुर्ती और प्लाजोज़ के अगर आप दो का सेट लेते हो तो उसके प्राइजेज़ अलग हैं, लेकिन है फैंसी, प्रिंट्स वगैरह आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया हैं। और अगर आप इस मार्केट में आते रहते हो, आप इस मार्केट के प्रो हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ पर कौन कौन सी शॉप्स रिकमेंड करना चाहते हो और वो शॉपकीपर्स किस चीज़ में डील करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे परमानेंट स्टोर्स हैं। आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे विज़िट कर चुके हो, परचेजिंग कर चुके हो शादी के टाइम की, अपनी शादी के टाइम की, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी शॉप पे अच्छे बजट फ्रेंडली पाकिस्तानी सूट्स मिलते हैं या और गरारे शरारे का जो भी आइटम यहाँ पर मिलता हो, ताकि बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट करने की सोच रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी चिकनकारी कुर्तीज़ का पूरा हेवन है, लाइक कॉटन में भी है, जॉर्जेट में भी है। इनका पैंट्स का कलेक्शन अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया मिलेगा। फातिमा लखनवी कुर्ती के नाम से भैया जी का शॉप है, और ये बेसिकली ऊपर तो इन्होंने पट्टी लगा रखा था, बेसमेंट में इनकी परमानेंट शॉप है, इसीलिए यहाँ पे भैया ने बताया कि कॉस्टली वाले सेट्स भी मिल जाते हैं, लाइक प्योर वाले वो भी आपको मिल जाएंगे। अब जो आपको कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ, इनके पास में रेडी टू वेयर पाकिस्तानी सूट्स थे, जितना थोड़ा बहुत डिस्प्ले में था वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना शॉपकीपर को मैं ज़्यादा इरिटेट नहीं करती। प्राइजेस जान लो फिर, तो अगर आपको लगता है बजट फ्रेंडली है तो आ जाओ। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्राइस है वो 6000 है, और इनकी भी जो बाहर है वो पटरी पर शॉप लगी हुई है, और अंदर नीचे बेसमेंट में परमानेंट शॉप है। इस तरीके के आप रेडी टू वेयर पाकिस्तानी सूट्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक आपको वाइट कलर की कुर्ती दिखाती हूँ, जो पीछे थोड़ा सा छुप गई थी, सो इसका प्राइस मैंने कोट कर दिया है। इस तरीके का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये मक्का ज्वेलर्स के बिल्कुल सामने अपनी शॉप लगाते हैं। इनके ये जो पैंट्स हैं ये मुझे बढ़िया लगे, हमारे एरिया में तो फ़िलहाल कहीं नहीं दिखे, मुझे नाइंद्रा लुक में दिखे। सो ये स्ट्रेचेबल हैं और प्राइस भी मैंने कोट कर दिया है कुर्तीज़ वगैरह के साथ वेयर करने के लिए। लेगिंग नहीं है बट पैंट्स के स्टाइल में है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक में, अच्छा लगा मुझे ये। तो ये देखिए, रोड जैसे जैसे कर्व कर रही है, जैसे जैसे मुड़ रही है, वैसे वैसे मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। खाने के भी यहाँ पे नॉनवेज वाले ऑप्शंस ज़्यादा हैं, तो अगर आप वेजिटेरियन हो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक आप शेक या जूसेस वगैरह ले सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारी बेकरी शॉप्स हैं, तो पेस्ट्रीज़ या लस्सी ये सब आप ले सकते हो। तो ये जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ अनाम कलेक्शन के नाम से, यहाँ तक मैं पहुँच गई थी। अब देखो इस तरीके के यहाँ बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो अंदर आपको जाके ही प्राइजेज़ वगैरह पूछने होंगे, कलेक्शन देखनी होगी। अगर मैं यहाँ पर एक एक स्टोर दिखाने लग गई तो वीडियो तो पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाएगी। इनके सामने ना अनाम कलेक्शन के एक यहाँ पर बैग्स की और पर्सेस की एक और बढ़िया सी शॉप लगी हुई थी, सो इनके पास में भी मैक्सिमम प्राइस मैंने कोट कर दिया है। बड़े बड़े साइज़ के बैग्स, मतलब एक्जॉटिका वगैरह का जो ब्रांडेड पीस है वो भैया के पास में आपको मिल जाएगा। इनके जस्ट बगल में और यहाँ पे रेडी टू वेयर कलेक्शन है, तो इनके पास में आपको अनारकली सूट्स मिल रहे हैं, प्योर कॉटन के वर्क वाले, और पैंट्स के साथ में, प्लाजोज के साथ में, ये सब भैया यहाँ पे डिस्प्ले ऑलरेडी किए हुए हैं, तो मेरे लिए इजी रहता है पटरी मार्केट दिखाना ज़्यादा। अदरवाइज़ अगर शॉप में आप विज़िट करना चाहते हो तो मार्केट बहुत ही बड़ा है, पटरी मार्केट कंपैरेटिवली कम है, और शायद जिस टाइम मैं गई थी अराउंड 1 PM तो उस टाइम कम ही लगता हो, शाम को यहाँ पर और भी ज़्यादा शायद ऐसा मुझे लगता है मार्केट लगती है। अब देखिए एक और यहाँ पर बच्चों के कपड़ों की शॉप है, सेम प्राइजेज हैं और कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। सो इतना सारा ड्रेस कलेक्शन दिखाने के बाद में अभी मैं आपको फाइनली दिखा रही हूँ ज्वेलरी का कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जड़ाऊ ज्वेलरी और पर्ल्स वाले सेट ये आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर शॉप से आप परचेज़ कर सकते हो, यहाँ पे जड़ाऊ ज्वेलरी के बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन मुझे दिखे। भैया का प्राइस भी मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा, 500 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, और मैक्सिमम यहाँ पर जो बजट रहेगा वो रहेगा आपका 3500 का, सही है ना। लाइक उसमें ब्राइडल कलेक्शन भी आ जाता है, जिसमें कि आपका पासा एंड ऑल इंक्लूडेड रहेगा। तो इसमें कलर डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही प्यारे हैं, और दूर से देखने पे ना बिल्कुल ये रियल गोल्ड ही लगता है जो जड़ाऊ ज्वेलरी में आपको दिखा रही हूँ। तो इस मार्केट में आपकी हर तरीके की शॉपिंग हो जाएगी, फुटवेयर की भी, कपड़ों की भी, और ज्वेलरी की भी। इनका आगे नंबर मैं मेंशन करूंगी और लोकेशन भी बताऊंगी। एक बहुत ही फेमस यहाँ पे रेस्टोरेंट है दिल्ली 6 नाम से, उसके जस्ट ऑपोजिट में भैया मिलेंगे। तो ये जितना भी डिस्प्ले मैं दिखा रही हूँ ये ब्राइडल के पर्पज़ से रहने वाला है। अगर आपको बहुत हैवी नहीं चाहिए तो इस तरीके के आप चोकर सेट्स के साथ में हैवी झुमकाज और मांग टीका का सेट परचेज़ कर सकते हो। और अभी जस्ट एक मैं इनकी वॉल दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल डर जाओगे, इतने ऊपर तक भैया ने सेट्स लगा रखे थे। ये देखो इतने टॉप से लेके यहाँ नीचे तक में इतने सारे सेट्स भैया ने डिस्प्ले किए हुए हैं, बिल्कुल कोई खाली हाथ भैया की शॉप से नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम प्राइस रहेगा 3500 रुपीज़ का। इनकी शॉप का जो बाकी एरिया है उसमें पूरा आपको सैंडल्स फुटवेयर का कलेक्शन देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैंने भैया का शेयर कर दिया है। तो इनके शॉप के जस्ट सामने जो फेमस है वो है दिल्ली 6 रेस्टोरेंट, इनके जस्ट ऑपोजिट में ही ये ज्वेलरी वाली शॉप आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट शॉप पर मैं आपको ले चलती हूँ। यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड और जंग ज्वेलरी का कलेक्शन लगा हुआ है, सेल प्राइस काफ़ी जेन्युइन है, बजट फ्रेंडली है,
तो कलेक्शन इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसा एथनिक नहीं चाहिए तो इनके पास में कोरियन ज्वेलरी का भी अच्छा कलेक्शन है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 100। बिलीव मी, इस तरीके की कोरियन ज्वेलरी आप अगर किसी मॉल वगैरह में लेने जाओगे तो आपको 500, 350, 650 पता नहीं क्या क्या कोट करते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी आप ले लो कोरियन में, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ की कलेक्शन है। सो मार्केट में परमानेंट स्टोर्स के आगे ही कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्ले आपको मिलेगा, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, प्योर कॉटन में चिकनकारी का सूट है, चिकनकारी का ही दुपट्टा है अंगरखा स्टाइलिंग में। तो ये अलीज़ा फैशंस के नाम से भैया की शॉप है जो बेसमेंट में मैंने दिखाई, उनका डिस्प्ले है, यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। और इस तरीके के बहुत सारे आपको शोरूम्स देखने को मिलेंगे, शॉप्स देखने को मिलेंगे। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके यहाँ पर कौन सी फेवरेट मार्केट है, कौन सी फेवरेट शॉप है, ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये लेफ़्ट और राइट साइड का जो आप एरिया देख रहे हो, इसमें आपको पूरा फर्स्ट फ्लोर पे जाके एक्सप्लोर करना होगा शॉप्स को, देन बेसमेंट में पूरा जाके इस पूरे 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 मार्केट में। तो यहाँ पे बेबी बॉयज़ का और मेल्स का भी कलेक्शन आपको मिलेगा, निराश होकर नहीं आओगे, टेंशन मत लेना। एक जगह पर यहाँ पर कैप्रीज और ट्राउजर्स लगे हुए थे, देन एक शॉप मुझे मिली जहाँ पर कि ना आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी का होम डेकोर मिल जाता है। सो इनके पास में टॉल्स का काफ़ी सारा कलेक्शन है, इस तरीके के हैंड टॉवल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, प्राइजेस बहुत जेन्युइन है। ऊपर बोर्ड लगा था कि दुकान आगे गली में है, तो हम गली में चले गए हैं। यहाँ पे मलिक हैंडलूम नाम से भैया की शॉप रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको देखिए कुशन कवर्स, बेड शीट्स और रग्स, मैट्स, ये सब मिल जाएंगे, डोर मैट, ब्लैंकेट, ये सब मिल जाएंगे। ये इस तरीके से शॉप का सामान पूरा भैया ने डिस्प्ले किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हो। और जो भी शॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको लगता है आपको उन्हीं से परचेज़ करना है तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब भैया जी के पास में आपको मिल जाएगा। इनकी बराबर बराबर में ना दो शॉप्स हैं, तो एक मैंने यहाँ पे दिखा दी आपको, थोड़ा सा बोहो वाला सामान मिल रहा है, और दूसरी शॉप में भी आपको वॉल हैंगिंग्स भी मिल जाएंगे, रग्स, मैट, सब कुछ मिल जाएंगे। तो पर्सनली विज़िट कीजिए, प्राइजेस वगैरह भी आपको बता देंगे हर चीज़ के, रिटेल में भी ले सकते हो, बल्क में भी ले सकते हो। इनकी शॉप से बाहर मैं निकल रही हूँ, तो देखिए ईद की वजह से यहाँ पे काफ़ी प्यारा डेकोरेशन किया गया है। अब जो शॉप हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जाके फाइनली मुझे कुछ वेस्टर्न देखने को मिला, अदरवाइज़ इस मार्केट में ना के बराबर वेस्टर्न था। इसके बाद जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके पास में ना वन पीस कुर्तीज़ का बहुत प्यारा कलेक्शन है, वो भी पाकिस्तानी पैटर्न में, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, और बेस्ट थिंग कि फुल स्लीव्स है तो समर्स में आप कंफर्टेबली पहन सकते हो, फैब्रिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो प्राइस रेंज मैंने कोट कर दिया, इनका भी मुझे कोई बोर्ड वगैरह नहीं मिला ऐसा, बट इनकी शॉप के बिल्कुल सामने यहाँ पर देखोगे तो तिहामीज़ का कुछ बोर्ड लगा हुआ है, इनके बगल में एक और कुर्ती की शॉप है, ये दोनों शॉप सामने सामने हैं और एक ही है। नेक्स्ट यहाँ पर जे एन कलेक्शन नाम से एक शीरीन बुटीक है, सॉरी जैन कलेक्शन एंड शीरीन बुटीक, तो ये कुछ कंबाइंड है, मे बी इनका ये कलेक्शन मैं आपको दिखा रही थी। इसी के जस्ट सामने यहाँ पे जावेद फेमस नहारी या निहारी जो भी होता है, यहाँ इन्होंने नहारी लिखा हुआ है, मैंने निहारी सुना था पता नहीं, तो ये दोनों फेमस आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। इसके बाद यहाँ पे अंकल जी मिले, और उनकी छोटी सी दुकान और उनके बड़े से दिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। इस तरीके की बॉटल इनके पास में मिल रही है, देख रहे हो कितनी क्यूट है ये, तो ये आप ले सकते हो होम डेकोर पर्पज़ से। यहाँ पे होम डेकोर से रिलेटेड मुझे कुछ मज़ा नहीं आया या कुछ सामान दिखा नहीं, लाइक दरियागंज में जैसे मिलता है ना एक्सपोर्ट वाला या कुछ ऐसा, वो सब नहीं मिला। क्रॉकरी का भी मुझे कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला, अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हो सकता है मुझसे ही रह गया हो। तो यहाँ पर ना ये फ्लावर वेस है बेसिकली, इसमें आप पानी डाल के अपना कोई भी रोज़ या लोटस कुछ भी आप एक उसमें डाल सकते हो, तो ये मैंने परचेज़ किया है, मैं इसमें कोई फ्लावर व्लावर नहीं डालने वाली, ये रखा हुआ ही इतना क्लासी लग रहा है मुझे। सो दिस इज़ ओनली फॉर ₹100, या मैंने अंकल से परचेज़ किया था। विमेंस क्लोदिंग स्टोर नाम से एक परमानेंट स्टोर है, उसी के जस्ट आगे ये अंकल आपको मिलेंगे। अब इस स्टोर में आपको जाना है तो पर्सनली अंदर विजिट करना पड़ेगा। अगली जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ अनारकली और ए स्टाइल कुर्तीज़ मिल रही हैं, प्योर कॉटन में भी है, चंदेरी में भी है, शिफॉन में भी है और जॉर्जेट में भी है। साइजेस की बात करूँ तो यहाँ पे डबल एक्सल तक के साइजेस आपको मिल जाएंगे, तो ये वन पीस ड्रेसेस आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, प्रिंट्स वगैरह बहुत ही प्यारे हैं। इनके अलावा अभी जो मैं यहाँ पे देख के आई थी वो आपको वो दिखाती हूँ, ये जो चेक्स वाली आप ड्रेस देख रहे हो ना, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको प्लस साइज़ में इस तरीके की वन पीस ड्रेस कह लो या शर्ट्स कह लो ये मिल जाएंगी, फैब्रिक अच्छा है और पीस भी ब्रांडेड है। तो ये चेक्स पैटर्न में जो शॉर्ट कुर्ती है ये सबसे बेस्ट लगी इस पूरी मार्केट में मुझे, 650 रुपीज़ में डबल एक्सल तक का साइज़ भी आपको मिल जाएगा, तो चेक्स का पैटर्न भी है और यहाँ पर इस तरीके के प्रिंट्स भी आपको मिल जाएंगे। चाहो तो आप स्नीकर्स के साथ जस्ट वन पीस की तरह वेयर कर लो, या फिर आप इसे
लाइक कुर्ती प्लाजोज के साथ में भी पहन सकते हो। सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड इट। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस पर्टिकुलर मार्केट के बेस्ट शॉप्स और कौन से हैं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।